चुनाव में खासकर जातिवादी व बीएसपी विरोधी मीडिया को बीएसपी की मुखिया के विरुद्ध कुछ खास मुद्दे बोलने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये लोग आए दिन मेरे चुनाव न लड़ने को भी लेकर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इसे भी आए दिन उछालते रहते हैं और इसकी आड़ में जनता को मेरे बारे में ऐसा इम्प्रेशन भी देते हैं जैसे मैंने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने 4 बार लोकसभा की व 3 बार राज्यसभा की भी राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी हूँ। इसके अलावा 2 बार यूपी विधानसभा में व 2 बार यूपी विधान परिषद की भी सदस्य रह चुकी हूँ। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी स्वास्थ्य के मामले में ठीक हालत में चलते रहे, तो तब तक वे सभी चुनावों को काफी हद तक खुद ही संभाल लेते थे और उस समय में अधिकांश चुनाव लड़ती थी और ज्यादातर चुनाव जीत कर भी आती थी। लेकिन इनके काफी लंबे अरसे तक बीमार रहने व उनके देहांत होने के बाद फिर पार्टी की मेरे कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई, तो ऐसे में मैंने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है, तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत कर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ, जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।